हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी का थर्ड लेक्चर। हमने जो टॉपिक आज लिया हुआ है दैट इज़ फ्रॉम लक्ष्मीकांत, और हम इसमें जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमने इससे पहले हमने दो लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ईस्ट इंडियन कंपनी का रूल अप टू 1857। और उसके बाद जो है जो सेकंड लेक्चर है उसमें हमने अब क्रॉन रोल जो है शुरू किया हुआ है। क्रॉन रोल में हमने 1858 से लेकर 1919 तक जितने भी एक्ट्स थे उनको हमने डिस्कस किया। तो अब जो है ये जो क्रॉन का रोल जो 1947 तक रहा, तो इसी को हम जो है आगे बढ़ाते हैं। 1919 तक जो भी एक्ट्स बने उनको हमने डिस्कस किया। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 1927 में जो साइमन कमीशन जो अपॉइंट किया गया था, तो उसको हम उससे हम जो है शुरू करते हैं आज अपना लेक्चर। और इससे आगे जितने भी एक्ट्स वगैरह आएंगे, 1935 का एक्ट आएगा, देन लास्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा, तो ये तमाम डिस्कस जो है आज हम कोशिश करेंगे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया है उसको आज हम ख़त्म करेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो आप प्लीज़ कोशिश करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार हमारे इस लेक्चर को सुन रहे हैं, तो आपको बताते चलें कि हमने जो है जो भी JKSSB या PSC से रिलेटेड जो भी सिलेबस में है हम उन तमाम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने भी आगे आने वाले लेक्चर्स हैं, फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि लक्ष्मीकांत पर के जो बुक है, जो इस वक्त बेस्ट बुक है इंडियन पॉलिटी पे, उससे उसके उसको हमने लिया हुआ है और उससे हम जो है इंडियन पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। और इसे हम कोशिश करेंगे जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आगे जितना भी जो है उस बुक पे और उसको हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा ये जो लेक्चर है आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है। उससे थोड़ा सा इंसान को हौसला मिलता है कि आप जो हमारे इस जो हमारा ये जो मेहनत आप इसको जो लाइक कर रहे हैं, और अपने फ्रेंड्स में भी सब्सक्राइब कीजिए। देखो, एजुकेशन जितनी भी हम आगे बांटेंगे उसको जितना हम शेयर करेंगे, जो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो शेयर करने से बढ़ती है। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका जो तीसरा लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो है साइमन कमीशन से आज हम ये इसको शुरू करेंगे। साइमन कमीशन इन नवंबर 1927 That is 2 years before the schedule, the British government announced the appointment 7-member statutory commission under the chairmanship of Sir John Simon to report on the condition of India under its new constitution. So, British government ने एक commission appoint किया जो Sir John Simon की chairmanship के under हो, और इसको ये काम दिया गया कि जो नया कानून बनाया गया है इंडिया में उसकी जो पूरी वो कैसी उसकी कंडीशन है, वो कैसी चल रही है, उसको कैसा काम कर रहा है, उसकी जो पूरी एक रिपोर्ट सबमिट की जाए, और उसमें अगर मज़ीद कुछ जो है चेंजेस वगैरह लानी हो वो भी जो है आप उसमें रिकमेंडेशन दे दें। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिश एंड हेंस ऑल द पार्टीज बायकॉटेड द कमीशन। तो जब ये कमीशन आया इस रिपोर्ट को बनाने के लिए, तो इंडिया में जितनी भी पार्टीज थी उनने इस कमीशन को बायकॉट किया, क्योंकि इस कमीशन के अंदर जो है इंडिया का कोई भी जो है मेंबर शामिल नहीं किया गया था। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930। तो 1930 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की एंड रिकमेंडेड द एबॉलिशन ऑफ डीआरची। तो डीआरची सिस्टम को जो है एबॉलिश करने के लिए इन्हें रिकमेंडेशन दी। एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स प्रोविंसेस में ऑलरेडी काम कर रही थी उनको एक्सटेंड करने के लिए इन्हें रिकमेंड किया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट में जो है फेडरेशन कायम करने के लिए ने जो है रिकमेंड किया। एंड कंटिन्यूशन ऑफ क्रिमिनल इलेक्ट्रेट एंड सो ऑन, और क्रिमिनल इलेक्ट्रेट जो ऑलरेडी यहाँ चल रहा था इंडिया में उसको जो है कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया। टू कंसिडर द प्रपोजल ऑफ द कमीशन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वीन्ड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। तो इस प्रपोजल को डिस्कस करने के लिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस बुलाई, जिसमें कौन कौन थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट
से रिप्रेजेंटेटिव्स, ब्रिटिश इंडिया और इंडियन प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ जो है तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस की। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशंस ए वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वॉज प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ज्वाइंट सेलेक्टेड कमेटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इन ये जो तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस की गई, इनके ऊपर जो भी डिस्कशन हुआ उसके लिए जो है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए जो भी इस इन तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस में जो भी बातें सामने आई, तो वो उसका जो है एक पेपर तैयार किया गया और इसको जो है ज्वाइंट सेलेक्टेड कमेटी जो बनाई गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, तो उसको जो है उसके सामने उसको कंसिडर करने के लिए जो है उसको दे दिया गया। द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी वर इनकॉर्पोरेटेड विद सर्टन चेंजेस इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इस ये जो रिकमेंडेशन दी गई थी उसको थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ जो है उसको ले लिया गया और उसको जो है फिर बाद में एक नया एक्ट लाया गया, दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्रिमिनल अवार्ड इन अगस्त 35। तो ये जो 1935 में जो एक्ट बनाया गया था उससे पहले जो एक क्रिमिनल अवार्ड जो है लाया गया था उसको हम देखते हैं। रमसे मैकडोनाल्ड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड ए स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज विच कैम टू बी नोन एज क्रिमिनल अवार्ड। तो रमसे मैकडोनाल्ड जो उस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है एक स्कीम जो है सामने लाई माइनॉरिटीज़ के लिए, माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेशन के लिए, माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन के लिए एक स्कीम अनाउंस की इसने, जिसको क्रिमिनल अवार्ड का नाम दिया गया। द अवार्ड नॉट ओनली कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम सिख्स इंडियन क्रिश्चियंस एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस बट ऑल्सो एक्सटेंडेड इट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। तो ये जो क्रिमिनल अवार्ड था जो ऑलरेडी चल रहा था कुछ सेक्शंस में, कुछ सोसाइटी के कुछ सेक्शंस में ऑलरेडी चल रहा था, इसको मजीद जो है डिप्रेस्ड क्लासेस में भी जो है इसको बढ़ा दिया गया। गांधी जी वॉज डिस्ट्रेस्ड ओवर दिस एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल रिप्रेजेंटेशन। तो गांधी जी को इसका जो है बड़ा सदमा पहुँचा, इस क्रिमिनल रिप्रेजेंटेशन जो लाई गई, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। टू द डिप्रेस्ड क्लासेस, जो डिप्रेस्ड क्लासेस में भी लाया गया, एंड अंडरटुक फर्स्ट अनटू डेथ इन यूरावादा जेल। तो यूरावादा जेल में जो है उन्होंने फर्स्ट जो है अनटू डेथ शुरू किया, जो यूरावादा जेल जो पूना में है वहाँ ने जो है फर्स्ट अनटू डेथ शुरू किया। टू गेट द अवार्ड मॉडिफाइड, ताकि ये जो अवार्ड जो है इसमें मॉडिफिकेशन लाई जाए। एट लास्ट देयर वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन द लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड डिप्रेस्ड क्लासेस। तो आखिरकार एक एग्रीमेंट हुआ कांग्रेस और डिप्रेस्ड क्लासेस में, द एग्रीमेंट नोन एज पूना एक्ट, जिसको पूना एक्ट का नाम दिया गया। और इसमें क्या कहा गया, रिटेन द हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट, इसमें जो है जितने भी हिंदूज थे इलेक्टोरेट थे उनको ज्वाइंट किया गया, और गेव रिजर्व सीट्स टू द डिप्रेस्ड क्लासेस, और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो है जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है सीट रिजर्व की गई, यानी जो इलेक्शन में अब जो कैंडिडेट उठेगा वो तो रिजर्व सीट से ही हो, लेकिन जो इलेक्टोरेट्स हों, जो वोट देने वाले हों, वो सब मिलजुल कर जो है उसको वोट दे दें। तो ये जो है इसमें कहा गया, इस पूना एक्ट में जो है ये चीज़ लाई गई। अब जो हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सेकंड माइलस्टोन टुवर्ड ए कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, इसको जो है सेकंड माइलस्टोन कहा जाता है, यानी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो इंडिया में शुरू हुई उसके लिए जो है ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये एक्ट। इट वाज ए लेंथी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट हैविंग, ये काफ़ी लेंथी और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें 321 सेक्शंस हैं एंड 10 शेड्यूल्स हैं। अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज ए यूनिट, तो इसमें जो है ऑल इंडिया फेडरेशन को कायम करने के लिए बताया गया जिसमें प्रोविंसेस और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं एज ए यूनिट रहें। द एक्ट डिवाइड द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ थ्री लिस्ट, तो इसमें जो जो सेंटर और प्रोविंसेस से रिलेटेड जितने भी पावर्स हैं उनको तीन हिस्सों में बांटा गया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये जो है आज जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये इसमें भी है। तो उस वक्त भी जो है ये 1935 इस एक्ट में जो है ये लाया गया था। तो फेडरल जो लिस्ट उस वक्त कायम की गई वो सेंटर के लिए बनाई गई, जिसमें उनके अंडर जो है 959 जो आइटम्स है जो सेंटर के अंडर ही। प्रोविंशियल लिस्ट में जो है जो प्रोविंसेस के लिए थी उनके अंडर जो है 54 आइटम्स रखी गई, और जो कॉन्करेंट लिस्ट हैं जो दोनों के लिए हैं, फेडरल फॉर सेंटर
प्रोविंशियल लिस्ट फॉर प्रोविंसेस एंड कॉन्करेंट लिस्ट फॉर बोथ। तो ये आज भी है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये आज भी चलती है। तो इसमें जो जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये दोनों के लिए विद 36 आइटम्स, और जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं दे आर गिवन टू द वाइसरे, जो सकता वाइसरे था उसको जो है रेजिड्यूरी पावर्स दी गई। हर द फेडरेशन नेवर कैम इन टू बींग एज द प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट ज्वाइन इट। लेकिन ये जो फेडरेशन है ये कभी भी कायम नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो जो स्टेट्स वगैरह थी उनने इसमें ज्वाइन नहीं किया। देन इसका जो है जो सेकंड इसका फीचर है इंडियन एक्ट 1935 का, इट एबॉलिश्ड डीआरजी सिस्टम, यानी डबल गवर्नमेंट सिस्टम को इसने ख़त्म किया इन द प्रोविंसेस, जो प्रोविंसेस में ऑलरेडी चल रहा था, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया उसको ख़त्म किया गया डीआरजी सिस्टम को। इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया इन इट्स प्लेस, इसकी जगह प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को लाया गया। द प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनॉमस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रोविंसेस बनाए गए उनको ऑटोनॉमस बॉडी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, उनको जो है पूरा इख्तियार दिया गया इन देयर डिफाइंड सेफर, जो उनका डिफाइंड सेफर था उसमें जो है प्रोविंसेस को पूरा अलाउ किया गया कि वो एज ए ऑटोनॉमस यूनिट जो है वो ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन काम करें। इट प्रोवाइडेड फॉर द अडॉप्शन ऑफ डीआरजी एट द सेंटर, और इस एक्ट के थ्रू जो है डीआरजी सिस्टम जो है सेंटर में उसको लाने के लिए कहा गया। कंसिक्वेंटली द फेडरल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इन टू रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, जो उस वक्त फेडरल सब्जेक्ट थे उसको जो है दो हिस्सों में बांटा गया, रिजर्व सब्जेक्ट में और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में। हाउएवर दिस प्रोविजन ऑफ द एक्ट डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन एट ऑल, लेकिन ये जो प्रोविजन था ये जो है ये शुरू नहीं हुआ, ऑपरेशन में ये नहीं आया। देन फोर्थ फीचर 1935 एक्ट के, इट इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म, तो इस एक्ट के थ्रू जो है बाइकैमरलिज्म जो है कुछ स्टेट्स में लाया गया। बाइकैमरलिज्म जैसे कि आज भी हमारे इंडिया में बाइकैमरल सिस्टम है, यानी जो है अपर हाउस और लोअर हाउस का सिस्टम, इसको बाइकैमरलिज्म कहा जाता है। तो उस वक्त जो है ये 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, उस वक्त जो टोटल 11 प्रोविंसेस थे उसमें से जो 6 स्टेट्स थे उसमें जो है बाइकैमरल सिस्टम शुरू किया गया। और ये 6 स्टेट्स कौन सी हमको याद रखनी है, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस, इन 6 स्टेट्स में जो है बाइकैमरल सिस्टम शुरू गया। वर मेड बाइकैमरल, इनको जो है बाइकैमरल बना दिया गया, कंसिस्टिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी अपर हाउस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोअर हाउस। तो ये आज भी हमारे अपर हाउस, लोअर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये आज भी हमारे इंडिया में ये है, चल रहा है। तो ये जो है उस वक्त जो है 1935 एक्ट के थ्रू जो है ये 6 स्टेट्स में उस वक्त लाया गया था, और मैनी रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन देम, लेकिन यहाँ बाइकैमरल सिस्टम तो शुरू किया गया लेकिन बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस के साथ। इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था उसको मजीद एक्सटेंड किया गया। बाई प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्ट्रेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, तो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी सेपरेट इलेक्ट्रेट कायम किया गया, फॉर शेड्यूल कास्ट वुमेन एंड लेबरर वर्कर्स, तो इन 3 क्लासेस के लिए जो है अलहदा से ये जो है स्टार्ट किया गया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इट एबॉलिश्ड द काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया जो चल रहा था उसको एबॉलिश किया गया। एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो एक्ट बना था उसमें जो काउंसिल ऑफ इंडिया जो बनाया गया था उसको एबॉलिश किया गया। द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया वॉज प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइजर्स, उसके बदले में जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लाया गया और उसके साथ जो है एक टीम ऑफ एडवाइजर्स भी लाई गई। इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज को एक्सटेंड किया गया। अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट, इससे जो है 10% लोगों को जो है वोटिंग राइट मिला। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इस एक्ट के थ्रू जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री, करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इस एक्ट के थ्रू जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है सेंटर में कायम किया गया, जो प्रोविंसेस थे उनमें प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन कायम किया गया, और 2-3 प्रोविंसेस को मिलाकर कहीं कहीं जो है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी कायम किया गया, और ये आज भी चल रहा है। यानी सेंटर में जो है पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट में भी जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे हमारे इंडिया में जो आज UPSC है और स्टेट में जो है JKPSC है, और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां 2 स्टेट्स को मिलाकर जो है एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन उस दिन कायम किया गया था, और ये आज भी हमारे इंडिया में कुछ स्टेट्स में ऐसा चल रहा है।
इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। तो फेडरल कोर्ट उस वक्त जो है बनाया गया, आज हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उस वक्त जो है 1937 में 1935 एक्ट के थ्रू जो है फेडरल कोर्ट फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में कायम किया गया, ये हमको याद रखना है। देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1937। अब हम ये जो लास्ट वाला एक्ट 1937 एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट इसको कहा जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ऑन फरवरी 20, 1947 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय June 30, 1948। तो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थे एटली, उनने जो है ये डिक्लेयर किया कि इंडिया में जो है 30 June 1948 से पहले पहले जो ब्रिटिश रूल जो है ख़त्म किया जाएगा, एंड विच आफ्टर विच द पावर्स वुड बी ट्रांसफर टू रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स। उसके बाद जो है जो इंडिया की तमाम पावर्स हैं वो किसी रिस्पॉन्सिबल हैंड्स को दे दी जाएंगी। दिस अनाउंसमेंट वॉज फॉलोड बाई द एजिटेशन बाई मुस्लिम लीग। उसके बाद जो है मुस्लिम लीग ने बहुत ज़बरदस्त एजिटेशन किया, डिमांडिंग फॉर पार्टीशन ऑफ द कंट्री, पार्टीशन ऑफ कंट्री के लिए डिमांड की। अगेन June 3, 1947 अगेन ऑन June 3, 1947 द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया फाउंड इन 1946 कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच वर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। उस वक्त जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्लियर किया कि जो भी हम 1946 में जो हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे तो वो जो है पूरे इंडिया के लिए लागू नहीं होगा, बल्कि जो जो इसको एक्सेप्ट करना चाहें वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जो इस कानून को दोज विल नॉट एक्सेप्टेड वो जो है उसको ना एक्सेप्ट करें, जो इसको अनविलिंग है इसको एक्सेप्ट करने के लिए दे आर नॉट बॉन्ड टू एक्सेप्ट इट। ऑन द सेम डे June 3, 1947 उसी दिन को लॉर्ड माउंटबेटन द वाइसर ऑफ इंडिया पुट फॉर द पार्टीशन प्लान नोन एज द माउंटबेटन प्लान। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने 30 जून 1947 को जो है एक प्लान सामने रखा जिसको माउंटबेटन प्लान कहा जाता है, और इसमें जो है ये पार्टीशन प्लान इसने जो है लाया। द प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाई द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। तो ये जो पार्टीशन प्लान था ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया। इमीडिएट इफेक्ट वॉज गिवन टू द प्लान, इस को कानून को जो है लाया गया बाई एनेक्टिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और उसके बाद जो है 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट जो है लाया गया जिसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया को जो है वो एक्सेप्ट किया गया। फीचर ऑफ द एक्ट, इसके हम फीचर्स देखते हैं क्या क्या हैं। नंबर वन फीचर, एंड विद ब्रिटिश रूल जो है एंड किया गया, डिक्लेयर्ड इंडिया एज इंडिपेंडेंट एंड स्वर्ण स्टेट, इंडिया को इंडिपेंडेंट और स्वर्ण स्टेट का दर्जा दिया गया फ्रॉम August 15, 1947 इस डेट से 1947 15 अगस्त से। इट प्रोवाइडेड फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया, इस एक्ट के थ्रू जो है इंडिया का पार्टीशन किया गया और टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनाई गई इंडिया एंड पाकिस्तान विद द राइट टू सीसीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, और इनको पूरा इख्तियार दिया गया कि वो जो है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो सख्त एग्जिस्ट कर रही थी उससे जो है वो अलग होने का जो उनको इख्तियार दिया गया। इट एबॉलिश्ड द ऑफिस ऑफ वाइसरे, वाइसरे का जो ऑफिस है उसको एबॉलिश किया गया, प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन गवर्नर जनरल, उसके बदले जो है जो दोनों डोमिनियन है इंडिया एंड पाकिस्तान में दोनों गवर्नर जनरल जो है लाया गया, हु वॉज टू बी अपॉइंटेड बाई द ब्रिटिश किंग, जिसको ब्रिटिश किंग अपॉइंट करेगा एंड द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट, डोमिनियन कैबिनेट की एडवाइस पर। हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन वॉज टू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, और जो सख्त ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो मेजेस्टी है उनको जो अब इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान की अब जो है वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। देन इसका फोर्थ फीचर, इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ द डोमिनियंस। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज जो दोनों डोमिनियंस की थी उनको जो एम्पावर किया गया टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन, उनको इख्तियार दिया गया कि वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर देयर रेस्पेक्टिव नेशंस, अपने अपने नेशंस के लिए, एंड टू रिपील एनी एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट हो उसको रिपील कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट इट्सेल्फ, यहाँ तक इंडिपेंडेंस एक्ट इट्सेल्फ इसको भी रिपील कर सकते हैं दोनों अपने अपने तरीके से। इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज ऑफ द बोथ डोमिनियंस टू लेजिस्लेट फॉर द रेस्पेक्टिव टेरिटरीज टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्राफ्टेड एंड एनफोर्स्ड। इसने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एम्पावर किया कि वो जो है ऑफ द बोथ टू लेजिस्लेट फॉर द रेस्पेक्टिव टेरिटरीज, अपने अपने टेरिटरीज के लिए जो है लेजिस्लेट करें,
जब तक कि जो है कोई नया कानून जो है ना लाया जाए. नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर अगस्त 1594 वाज टू एक्सटेंड आइदर ऑफ द न्यू डोमिनियंस. तो उसके बाद जो है 15 अगस्त 1947 के बाद जब नई लेजिस्लेशन बैठेगी तो उसको जो है कोई भी इख्तियार नहीं होगा कि वो पुराने कानून को दोबारा जो है लाए. इट एबॉलिश्ड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस है उसको ख़त्म किया गया फॉर इंडिया, इंडिया के लिए. ट्रांसफर्ड हिज फंक्शंस टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. और ये जो पावर्स जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की उस वक्त तक रहती थी वो किसको दे दी गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स. तो ये जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को ये पावर जो है दे दी गई. इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामोर्सी. ब्रिटिश पैरामोर्सी को ख़त्म किया गया ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में जो कायम थी. एंड ट्रीटी रिलेशंस विद ट्राइबल एरियाज, और जो भी ट्रीटी रिलेशंस थी ट्राइबल एरियाज के साथ उनको जो है तमाम को ख़त्म किया गया फ्राम 15 अगस्त 1947. देन एट्थ फीचर, इट ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट्स आइदर टू ज्वाइन टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट. तो इसने जो है इंडिया के साथ जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको पूरा इख्तियार दिया कि वो या तो इंडिया के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ जाएं, या अगर वो चाहें तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं. इसके जो है ये इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू जो है इसको इनको पूरा इख्तियार दिया गया. इट प्रोवाइडेड नाइन्थ फीचर इस एक्ट का, इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियंस एंड प्रोविंसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर फ्रेंड. तो इसमें जो है ये कहा गया कि जब तक ना कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाए तब तक जो है आप इंडिया को जो है 19 एक्ट, ये जो एक्ट था इंडिया एक्ट 1935, इसके थ्रू ही जो है इंडिया में जो है आप इसको गवर्न कर सकते हो जब तक कोई नया कानून ना बनाया जाए. द डोमिनियन वर हावर ऑथराइज टू मेक मॉडिफिकेशन द एक्ट, और जो डोमिनियन थे उस वक्त उनको जो पूरा इख्तियार दिया गया कि जो एक्ट है इसमें कुछ जो है उस वक्त का माहौल देखकर आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस ला सकते हो. इट डिप्राइव्ड द ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट टू वीटो बिल्स. तो जो ब्रिटिश मोनार्क था उससे उसका जो है इख्तियार छीन लिया गया, जो वीटो बिल राइट टू वीटो जो इख्तियार था उसको जो है वापस ले लिया गया. एंड आस्क फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टन बिल्स फॉर हिज अप्रूवल. जो उस वक्त जो थे ब्रिटिश मोनार्क के हाथ में जो वीटो बिल था और रिजर्वेशन जो कुछ बिल्स की थी अप्रूवल के लिए उसको जो है डिप्राइव किया गया. बट दिस राइट वॉज रिजर्व फॉर गवर्नर जनरल. तो ये जो राइट था इसको जो है गवर्नर जनरल के हाथ में इस पावर को रखा गया. द गवर्नर जनरल वुड हैव फुल पावर टू असेंट टू एनी बिल इन द नेम ऑफ हिज मेजेस्टी. इस वक्त जो है गवर्नर जनरल जो है किसी भी बिल को जो है उसको असेंट दे सकता है किसी बिल को. जैसे आज जो है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को पूरा इख्तियार रहता है, तो उस तरह उस वक्त जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ये पावर दी गई. देन नेक्स्ट फीचर, 11th फीचर, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर एट कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड्स ऑफ द स्टेट. तो इस एक्ट के थ्रू जो है जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया और प्रोविंसेस गवर्नर जो है उनको जो है अपने अपने स्टेट के हेड जो है वो डेजिग्नेट किया. यानी इंडिया का जो हेड था वो गवर्नर जनरल को बनाया गया और प्रोविंसेस में जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड था वो किसको बनाया गया, गवर्नर्स को वो इख्तियार दिया गया. देवर मेड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑल द मैटर्स. और उनको जो है ये पूरा बताया गया कि वो जो है अपने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के उनकी एडवाइस से जो है वो काम करे. जैसे कि आज भी जो है जो प्रेसिडेंट होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कैबिनेट होती है सेंटर की उनके हिसाब से जो वो काम करता है, तो उसी तरीके से जो है यहाँ भी ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे उनकी एडवाइस की बुनियाद पर जो है गवर्नर जनरल को ये इख्तियार दिया गया कि वो काम करे. इट ड्रॉप्ड द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया. एक टाइटल उस वक्त हुआ करता था एम्परर ऑफ इंडिया, उसको ख़त्म किया गया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड. तो जो बहुत सारे टाइटल्स थे किंग ऑफ इंग्लैंड के, बहुत सारे टाइटल्स थे उनमें से एक टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया था, उसको जो है ड्रॉप किया गया. नेक्स्ट 13th फीचर, इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज. तो जो सिविल सर्विसेज की जो अपॉइंटमेंट सिस्टम था उसको ख़त्म किया गया. एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया. और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए जो पोस्ट रिजर्व होती थी उसको भी ख़त्म किया गया. द मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड बिफोर अगस्त 1947 वुड कंटिन्यू टू एन्जॉय ऑल बेनिफिट्स दैट दे आर एंटाइटल्ड टू टिल दैट टाइम.
और जो 1947 से पहले जो भी सिविल सर्विसेज के लिए जो भी मेंबर्स अपॉइंट किए गए थे, तो उनको जो वो पावर्स थी उनको कंटिन्यू करने के लिए कहा गया, यानी वो जो है कंटिन्यू ही करेंगे, और जो उनको 1947 से जो पहले जो भी बेनिफिट्स इन मेंबर्स को मिलते थे, वो आज़ादी के बाद भी जो है वो बेनिफिट्स उनको मिलेंगे, वो कंटिन्यू रहेंगे, ये एक्ट के थ्रू ये बताया गया। देन एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट 14 एंड 15 अगस्त 1947 द ब्रिटिश रूल कैम टू एंड। इस तरह जो है 14 और 15 अगस्त की रात को ये जो ब्रिटिश रूल जो है वो ख़त्म हो गया, एंड पावर वॉज ट्रांसफर्ड टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। तो इस तरह जो है जो ट्रांसफर थी पावर्स थी वो दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस को ट्रांसफ़र की गई, ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान को जो है वो पावर्स ट्रांसफ़र की गई कब, 14 और 15 मिड नाइट को। लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो जो आज़ाद हिंदुस्तान था उसका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया, ये हमको याद रखना है। ही स्वर्न इन जवाहरलाल नेहरू एज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और इसने जो है जवाहरलाल नेहरू को जो है एज ए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उसको शपथ दिलाई। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन 1947 बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन। इस तरह जो 1947 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी फ्रेम करने के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, तो उसको जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनाया गया। तो इस तरह जो है हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। आज हमारा ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर जो है मुकम्मल हो गया। इसके जो तीनों लेक्चर्स जो है, तीनों लेक्चर्स में हमने इसको पूरा मुकम्मल किया। होप आपको तीनों लेक्चर्स बहुत अच्छे लगे होंगे, आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हर कंसेप्ट पूरी तरीके से मैंने कोशिश की आपको क्लियर करने की, फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम रहती है, कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और आप प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए, कि अगर आपको पूरा ये समझ है तो आप लाइक किया कीजिए। ओके थैंक्स। अब हम जो है बहुत जल्दी इसका नेक्स्ट चैप्टर लाने वाले हैं, दैट इज़ द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका नेक्स्ट चैप्टर है बाय लक्ष्मीकांत, जो बुक है उसका नेक्स्ट चैप्टर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। ओके आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। ओके बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।